आधा बर्थ है। नाजरीन आप देख रहे हैं रूबरू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। ओएसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शाखों के खयाम का सिलसिला जारी। सदर मजलिस ने मोगलपुरे में हमा मंजिला इमारत का रखा संग बुनियाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मिल्लत के यतीम व नादार और मुस्तहक नौनिहालों को जेवर तालीम से आरास्ता करने की पाबंद अहद। स्कूली इमारत की संग बुनियाद तकरीब से कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। निजाम रुबात में आजमीन हज के ख्याम के लिए की गई खुरानदाजी। नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर सियासी कायदीन ने की शिरकत। SOT मलकाजगिरी ने फर्जी सर्टिफिकेट्स की तैयारी का रैकेट किया बेनकाब। 6 अफराद गिरफ्तार। 160 फर्जी असनाद की गई जब्त। रच्चाकुंडा कमिश्नर पुलिस की मीडिया कॉन्फ्रेंस। चेतनियापुरी पुलिस ने बदनाम जमाना सारिख को किया गिरफ्तार। 22 लाख रुपए मालियती जेवरात किए गए जब्त। देखते हैं खबरों की तफसील। सालारा मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलाए जा रहे ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की शाखों के क़याम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत सदर मजलिस रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चार मीनार हल्के के मुगलपुरा डिवीजन में साबिका इशरत महल में एक इमारत का संग बुनियाद रखा जो हमा मंजिला होगी। सदर मजलिस की रहनुमाई में कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी पुराने शहर में कई मकामात पर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का क़याम अमल में ला चुके हैं और इसके लिए करोड़ों रुपयों की लागत से हमा मंजिले इमारतें भी तामीर की जा चुकी हैं। सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम चलाए जाने वाले ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस की शाखों को मुख्तलिफ हलकों में भी वसअत दी जा रही है। इस सिलसिले के तहत मुगलपुरे में कायद मजलिस और रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने स्कूल की तामीर के लिए हमा मंजिला इमारत का संग बुनियाद रखा। इस संग बुनियाद तकरीब में कायद मुखन्ना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा मजलिसी अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान, सैयद अहमद पाशा खादरी, अहमद बलाला, जाफ़र हुसैन और कौसर मुहिद्दीन के अलावा ट्रस्टी सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट नूरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान एजाजी की हैसियत से शिरकत की। वाज़ेह है कि ट्रस्ट के तहत पहले ही से चंदनगुट्टा असम्बली हलके के कई डिवीजन्स में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस काम कर रहे हैं जहां पर तलबा तालिबात के लिए SSC तक मुफ्त तालीम का नज़म है। इस तकरीब से मजलिसी कायदीन ने भी खिताब किया। मौजूदीन में एडिटर रोजनामा एतमाद बुरहानुद्दीन ओवैसी के अलावा मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स और डायरेक्टर स्कूल्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सालारे मिल्लत के वफात के बाद मेडिकल कॉलेज, दक्कन मेडिकल कॉलेज और उसके अलाइड के इंस्टीट्यूट जितने हैं, सिर्फ मेडिकल कॉलेज के टोटल रकबा स्क्वायर फीट 18 लाख स्क्वायर फीट है सिर्फ मेडिकल कॉलेज का। ओवैसी हॉस्पिटल है 7.5 लाख का। मेडिकल कॉलेज की इमारत है 2.5 लाख स्क्वायर फीट की। या सरा हॉस्पिटल है तो 4.5 लाख स्क्वायर फीट का। और उसके बाद फिर हॉस्टल है तो वो 2.5 लाख का। और फिर हाली अरसे में दुनिया ने देखा कि सारे हिंदुस्तान से आए बड़े बड़े उलमाए कराम, जिंदगी के हर शोबे हयात से ताल्लुक रखने वालों ने ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस में सालारे मिल्लत स्पोर्ट्स और ऑडिटोरियम सेंटर को देखकर
तारीफ करने पर मजबूर हुए कि हिंदुस्तान में ऐसा ऑडिटोरियम, ऐसा स्पोर्ट्स सेंटर नहीं है। ये भी मुकम्मल वो हो चुका और हालिया से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एक कामयाब इजलास वहां पे मुनक्कद हुआ। मंडला से इत्तेहाद मुस्लिमीन काम करती रही और काम के जरिए अपने नखोश को छोड़ती गई। आज लोग सिर्फ बातें करते हैं, कहते हैं मंजलिस पर इल्जाम कि मंजलिस रिजर्वेशन की मुखालिफ थी। अरे मंजलिस ही की वजह से आज आंध्र और तेलंगाना में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला। अगर मंजलिस नहीं होती तो ये रिजर्वेशन भी नहीं मिलता। क्या इसका जवाब है कांग्रेसियों के पास कि बताओ दिल्ली में तुम्हारी हुकूमत थी, क्यों नहीं दिया मुसलमानों को रिजर्वेशन? राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में थी, महाराष्ट्र में थी, आसाम में थी, मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहां मजलिस नहीं थी, और यहां इसलिए दिया क्योंकि यहां मजलिस है, आपका इत्तेहाद है और हमारी मजबूत हयादत है। ये मजलिस की कामयाबी है, मजलिस काम कर रही है और काम के जरिए अपनी पहचान को छोड़ रही है। वक्त के हुक्मरानों को हमारी ताकत के सामने झुकना पड़ता है। ऐवान असेंबली में किसी को सुने या ना सुने, हमको तो वक्त के चीफ मिनिस्टर को सुनना लाजिम है, जरूरी है। चाहे वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हो या आज के हो, हर एक को सुनना पड़ता है। किसी को ना सुने कोई बात नहीं, लेकिन हमको तो सुनना पड़ता है। मैं ये भी याद दिलाऊं कि वह वक्त का चीफ मिनिस्टर ही था जिसने ऐवान असेंबली में खड़े होकर मुसलमानों से माफी मांगी थी। तो ये भी इस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने इतने ऐलानात किए मुसलमानों के लिए, ये मजलिस की कामयाबी है। खैर बहरहाल आपसे यही कहूंगा कि हालात को देखिए। पहले तो शायद मैं कहूंगा के इत्तेहाद के लिए मुझे जरूरत थी आपकी, लेकिन आज मैं कहूंगा कि मुझे और आपसे ज्यादा सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को हमारे इत्तेहाद, हमारी जमात और हमारी क़यादत की जरूरत है। और अब सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि तमाम के तमाम तामीरी काम स्कूल के जल्द से जल्द पाए तकमील को पहुंचेंगे। और आज अकबरुद्दीन ओवैसी इस काम को अपने जाती ट्रस्ट के जरिए एक और तरीके से एक अहम मुकाम पर लेकर चले गए हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और अगर हम मुसलमान अपने बच्चे और बच्चियों की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो हम खुदा को भी नहीं पहचान सकेंगे, हम दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल भी नहीं कर सकेंगे, हम में जहालत और अच्छाई और बुराई की तमीज नहीं पैदा होगी। आप देखिए कि हमारे माशरे में किस तरह की हरकतें होती हैं कि आज से चंद दिन पहले तरीकत मंजिल शादी खाने में एक मुर्गी की डिश नहीं आई तो एक साहब ने उठकर चाकू लेकर अपने दोस्तों के साथ एक आदमी का कत्ल कर दिया। ये जहालत नहीं है तो क्या है? अगर वो पढ़े लिखे होते उनको अंदाजा होता कि एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर। हमारे माशरे में ये जहालियत के मज़ाहरे किए जाती हैं कि मुर्गी की डिश नहीं मिली तो चाकू दोस्तों को लाए और चाकू मार दिए। आज हमारे कई मासूम बच्चे ऐसे भी हैं जो बुरी सोहबतों का शिकार होकर एक नई बीमारी शुरू हो चुकी है। कल तक तो हम सुनते थे कि कोई खांसी की दवा पी लिया, कोई वो फुला कर लिया, अब तो बाजाबता तौर पर ड्रग्स भी चुके हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, इन बुराइयों का खात्मे के लिए जरूरी है कि हम अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाएं, हमारे घर के माहौल को हम अच्छा करें। और माँ बाप की जिम्मेदारी है कि औलाद के सामने अपने बेमिसाल किरदार को पेश करें, तभी जाकर हम एक साले माशरे को तश्कील दे सकते हैं, हम अपने सफ़ों से बुराइयों का ये खात्मा कर सकते हैं। और इत्तेहाद के पैगाम को समझने के लिए भी जरूरी है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 70 साल से जद्दोजहद करती आ रही है। आपका ताउन, आपकी दुआएं, आपका साथ रहा। अब ये बहुत जरूरी हमारे लिए कि हम अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए
मिशन के तौर पर एक इनकलाबी तौर पर हमको काम करना है। इख्तलाफात हो सकते हैं मगर ये काम पर हम ज्यादा देर अगर खामोश बैठेंगे तो नुकसान हमारा होने वाला है। बहरहाल मैं अपनी जानिब से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुबहाना व तआला इनकी तमाम कोशिशों को अल्लाह कबूल करे और अल्लाह इनको हर शर से और हर साजिश करने वालों की साजिश से महफूज रखे। अल्लाह उनको दीनों दुनिया में और इज्जत से नवाजे और अल्लाह उनको और तौफीक दे के इस तरह के और नेक काम करे। वाखर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज 2018 के दौरान मक्के मुकर्रमा में वाकई हैदराबाद रोबात में क़याम के लिए कंप्यूटर खुरानदाजी के जरिए इंतखाब अमल में लाया गया। चौमहला पैलेस खिलवत में मुनक़िदा इस तकरीब में नायब राजा तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की और खुरानदाजी का इफ्तिताह किया। वादरे के हैदराबाद दक्कन के इलाकों जिनमें तेलंगाना के 31 अजला, कर्नाटक के 4 और महाराष्ट्र के 9 अजला शामिल हैं, उनके आजमीन को इस खुरानंदाजी में शामिल किया गया, जबकि 10% नशस्तें शाही ख़ानदान के आजमीन के लिए मख्तस की गई। इस तकरीब में मुशीर अखिलियती बहबूद, महकमा हुकूमत तेलंगाना एके खान, अराकिन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, आमिर शकील, अराकिन खानून साज कौंसिल फारूक हुसैन, मोहम्मद फरीदुद्दीन, मोहम्मद सलीम, रियासती हज कमेटी सनशीन मसीउल्ला खान, सनशीन निज़ाम वक्फ कमेटी नवाब मीर फिरोजुद्दीन अली खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने स्पीकर खानसाद असम्बली मधुसूदन चारी और दीगर कायदीन के साथ इजलास का इनेकाद मिलाया। इस इजलास में चीफ विप के ईश्वर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक सिंगरणी कॉलरीज वर्कर्स के मसाइल और दीगर उमूर पर कायदीन ने तफसीली तौर पर जायजा लिया और कई फैसले भी इस इजलास में लिए गए। सनशीन SC/ST चेयरमैन श्रीनिवास ने अहदेदारों के साथ एक जायदा इजलास का इनेकाद अमल मिलाया। उन्होंने इस मौके पर अहदेदारों से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। राय के मुताबिक SC/ST की तबके को बैंक लिंक स्कीम के तहत दी जाने वाले खर्चात की तफसीलात हासिल की गई और अहदेदारों को इस सिलसिले में तेजी लाते हुए कर्जजात की फराहमी को यकीनी बनाने के सिलसिले में हिदायतें भी जारी की गईं। योगा गुरु बाबा रामदेव ने रियासत तेलंगाना के सैद रोजे पर हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की सताइश करते हुए कहा कि KCR मुल्क भर के वज़रा आला में सबसे बेहतर इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने TRS रुकन पार्लियामान के कविता और रियासी वजीर आबपाशी हरीश राव को तयकुन दिया कि वो कौमी हल्दी बोर्ड के क़याम के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी से नुमाइंदगी करेंगे। योगा गुरु बाबा रामदेव जो रियासत तेलंगाना के से रोजा दौरे पर हैं, उन्होंने निज़ामबाद में वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की ज़बरदस्त सताइश की। बाबा रामदेव ने कहा कि KCR मुल्क भर के तमाम वज़ीर-ए-आला में सबसे बेहतर वज़ीर-ए-आला हैं और उनकी खूबी यह है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने TRS MP कविता और वज़ीर आबपाशी हरीश राव को इस बात का तयखुन दिया कि वो कौमी हल्दी बोर्ड के क़याम के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से नुमाइंदगी करेंगे और TRS दिल्ली में एहतजाज मुनज़िम करती है तो बाबा रामदेव भी इस एहतजाज में हिस्सा लेंगे। बाबा रामदेव ने TRS रुकने पार्लियामेंट कविता को इस बात का मशवरा दिया कि वो हल्दी बोर्ड के क़याम के सिलसिले में 2019 से कबल वज़ीर आज़म से तबादला ख्याल करें। हम उसका साथ लेंगे और साथ देंगे, चाहे हमारा इधर पॉलिटिकल पार्टीज में TRS है, ये आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है। आंदोलन से दो पार्टी पैदा हुआ, एक तो हमारा दिल्ली में, लेकिन उसका थोड़ा मामला थोड़ा हिल गया। इधर जो तेलंगाना में TRS पैदा हुआ है,
एक पवित्रता के साथ ईमानदारी, और तेलंगाना को मुझे ऊंचा लेकर के जाना है, और जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज करना है, स्टेट्स को ज्यादा पावर देना है, फार्मर्स को ज्यादा पावर देना है। मैंने बहुत मुख्यमंत्री देखे हैं, लेकिन हमारा तेलंगाना का मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। मैं देखो, आपको पता है पॉलिटिकली मुझसे बहुत कनेक्ट है लोग, चंद्रबाबू नायडू जी भी हमारा शिष्य है, वो उसको भी हम बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन आप यदि यहाँ हम इधर आए हैं तो ऐसा नहीं कि मैं इधर कविता जी और हरीश जी बैठे इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ, मतलब हमारे जो है मुख्यमंत्री जी अच्छा कर रहे हैं तेलंगाना के लिए, और अपने लिए उनको कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए जो वो कर रहे हैं हमारा उनको आशीर्वाद है। और इसमें तेलंगाना के अच्छाई के लिए, किसानों के लिए, यहाँ के हेल्थ के लिए, एजुकेशन के फील्ड में भी हम लोग चाहते हैं कि जो है मॉरल वैल्यूज पर, स्पिरिचुअल वैल्यूज पर बेस्ड एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए। तो इधर यदि अपने स्कूलों में और एजुकेशन सिस्टम में योग को भी प्रमोट करेंगे तो उसमें हम लोग उनको फ्री सेवा देंगे। सीनियर कांग्रेस खायद और साबिक रुकने पार्लियमान हनुमंत राव ने कहा है कि विधायक तेलंगाना के चंद्रशेखर राव रियासत से कबल जो वादे किए थे उससे वो मुकर गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की तशकील से कबल प्रोफेसर कोदंडाराम की उन्होंने सताइश की थी और आज वो कोदंडाराम के मुखालिफ हो गए हैं। उन्होंने बताया कि कोदंडाराम ने विधायक चंद्रशेखर राव से आवाम से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया था, जिस पर वो कोदंडाराम के खिलाफ हुए हैं। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास का इनेकाद मिला। इजलास में ग्राम पंचायत के इंतखाबात के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। इजलास में अमाम रुकन कानून साज कौंसिल सैयद अमीनुल हसन जाफरी, कांग्रेस कायद शशिधर रेड्डी, टीडीपी कायद आर चंद्रशेखर के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन नागी रेड्डी ने सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मजलिसी रुकन खानसास कौंसल अमीनुल हसन जाफरी, कांग्रेस कायद शशिधर रेड्डी, तेलुगुदेशम कायद आर चंद्रशेखर, सीपीआई कायद सी वेंकट रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। बाद अज़ां स्टेट इलेक्शन कमीशन नागी रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस इजलास में ग्राम पंचायत इंतखाबात और फेहरिस्त राय दहिंदगान के अलावा पोलिंग बूथ्स और दीगर अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया और कई एक तजावीज़ भी हासिल की गई हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत की मियाद माह जुलाई में पाए तकमील हो रही है। कांग्रेस कायद शशिधर रेड्डी ने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बजट इजलास के दौरान पंचायत राज बिल को जल्दबाजी में मंजूर कर लिया, लेकिन इसे अभी तक गवर्नर की जानिब से मंजूरी नहीं मिली, जिसकी वजह से पंचायत इंतखाबात तातुल का शिकार है। कांग्रेस कायद ने कहा कि बिल की मंजूरी के बाद ही इलेक्शन कमेटी की तश्कील का अमल पूरा करती है। सो दान लोपल भागंगा अंटे ग्राम पंचायतलकु एन्निकल निर्वहण चेयालि जुलाई लोपल। एन्निकल निर्वहण चेयालंटे नालुगु स्टेजलु उंटायि अंदुलोपल। मोट्टमोदटगा ఎలక్టర్ రోల్స్ తయారు చేయడం, అంటే ఎన్నికల జాబితా, ఓటర్ల జాబితా తయారు చేయడం మొట్టమొదటి స్టెప్. తర్వాత ఓటర్ల జాబితాకు అనుగుణంగా పోలింగ్ స్టేషన్స్, అంటే ఎన్నికల కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలి. మూడవది ఏమిటంటే ఈ సంస్థలకి సర్పంచ్ పదవులు కావచ్చు, లేకపోతే వార్డు మెంబర్ పదవులు కావచ్చు, వాటికి రిజర్వేషన్స్ ఏర్పాటు చేయాలి. మూడవ స్టెప్. నాలుగో స్టెప్ ఎన్నికల ప్రక్రియ. ఈ నాలుగు ప్రక్రియ లోపల మొదటి రెండు ప్రక్రియలు మేము ఎలక్షన్ కమిషన్ తరఫున చేయాల్సినటువంటి ప్రక్రియలు, అంటే ఈ ఓటర్ల జాబితా తయారు చేయడము, పోలింగ్ స్టేషన్స్ని ఏర్పాటు చేయడం. సో మనకేంటంటే జూలై లోపల గడువు ముగుస్తుంది కాబట్టి టైం ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువగా సమయం లేదు కాబట్టి ఇంకా మనము తప్పకుండా ఈ ఎలక్టరల్ ఓటర్స్ల జాబితా తయారు చేయడం మొదలెట్టాలి.
सो आदि संदर्भंग इपड़ेमो प्रस्तम चटी इंकोक चट असैम्ली पास जी दिन विषय ला चार मंदिर इश्यूस रेस बात को आज मीटिंग में मीटिंग इसलिए बुलाया गया लेकिन अभी तक गवर्नर की मंजूरी नहीं मिली है। असेंबली में बिल पास हुआ है लेकिन गवर्नर की मंजूरी नहीं मिली है। ये कब तक ये होगा ये इलेक्शन कमीशन भी नहीं जानता। और दूसरी बात यह है कि नई एक्ट अगर अमल होता है तो इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन को दोबारा कायम करने की बात उसमें कहा गया है। इसका मतलब यह है कि 1994 का जो एक्ट जिसके बेसिस पर ये इलेक्शन कमीशन बना है वो ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगा, नया इलेक्शन कमीशन बनने की ज़रूरत होगी। और इस तरह के गलत तरीके से जिस तरह से सरकार ने ये एक्ट बनाया, जल्दबाजी का काम किया है, सही तरीके से सोचा नहीं। और आज जनवरी से कह रहे थे कि नया हम कानून बनाएंगे, स्पेशल सेशन बनाएंगे, आखिर में बजट सेशन में आखिरी दिन ये सब काम करके एक आज लोगों के दिल में कितने ग्राम पंचायत होंगे, कितने ग्राम पंचायत में इलेक्शन होगा ये किसी को आज मालूम नहीं है। और पुराने एक्ट के तहत 8,500 चिल्लर कुछ गांव हैं, अगर नया एक्ट अमल होता है तो उसमें 12,000 के ऊपर गांव रहेंगे। तो ये सब जो कन्फ्यूजन है ये सरकार की नाकामयाबी है। इस चीज़ को टाइम पर वक्त पर लाने की इनकी कांग्रेस रुकन असेंबली डॉक्टर गीता रेड्डी ने विधायक तेलंगाना की चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत फाजिल बजट वाली रियासत है, ये एक गुमराह कुन प्रोपगंडा है और बिरला इस तरह का प्रोपगंडा करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस रुकन असेंबली डॉक्टर गीता रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की। गीता रेड्डी के मुताबिक वज़ीर आला ये गुमराह कुन प्रोपगंडा कर रहे हैं कि तेलंगाना रियासत फाजिल बजट वाली रियासत है। हालांकि कांग्रेस कई अरसे से ये बात कह रही है कि रियासत खसारे में है क्योंकि वज़ीर आला रियासत की आमदनी में इजाफा करने पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। गीता रेड्डी ने बताया कि सीएजी रिपोर्ट से भी ये बात वाजे हो गई है कि कांग्रेस जो कह रही थी वो हकायक पर मबनी है। डॉक्टर गीता रेड्डी ने बताया कि मुल्क की आवाम इस बात को तस्लीम कर रही है कि मरकज हो या रियासत सिर्फ बेहतर इख्तदार कांग्रेस ही चला सकती है। कांग्रेस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने विधायक तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि वो प्राइमरी सतह पर तालीम को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से मुस्तकबिल में रियासत में तालीमी शोबा मुतासिर हो सकता है। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि साल 2018-19 तालीमी शोबे के लिए कठिन होगा। कांग्रेस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की। जीवन रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला प्राइमरी सतह की तालीम पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से मुस्तकबिल में रियासत में तालीमी शोबा मुतासिर होने का अंदेशा है क्योंकि प्राइमरी सतह के स्कूलों की हालत अबतर है और आज भी दही सतह में प्राइमरी स्कूल्स में बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं हैं और कई स्कूलों में असातिज़ा की भी कमी है। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत ने साल 2017-18 में प्राइमरी सतह की तालीम के लिए 925 करोड़ रुपए बजट तो मख्तस किया है लेकिन 31 मार्च 2018 तक सिर्फ 225 करोड़ रुपए बजट ही खर्च किया। माह रमजान मुबारक की आमद के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी करदा अहकामात की रोशनी में तारीखी मक्का मस्जिद के कामों का मुशीर तेलंगाना हुकूमत ए के खान ने मुख्तलिफ कायदीन के साथ जायजा लिया। इस मौके पर मजलिस रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी के अलावा एडिशनल DCP लॉ एंड ऑर्डर गौस मुहीद्दीन और वक्फ बोर्ड के अहदेदारान मौजूद थे। इन्होंने इस मौके पर मक्का मस्जिद में किए जा रहे तरक्याती कामों का तफसीली तौर पर जायजा लिया।
और उन्हें सहन मक्का मस्जिद में डाले गए खसूसी शेड का भी मुआयना किया और शब मेराज के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का भी तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। बाज़ाएं के खान ने मीडिया को तफसीलात बताई। रमजान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है, जब तक छत का काम कम से कम पूरा हो जाना चाहिए ताकि जो भी क्लाइमेट है उसके लिहाज से जो नमाजी आते हैं यहाँ पर रोज़ा रहते हैं उनके लिए सारे फैसिलिटीज होना चाहिए। दो तीन दिन के अंदर जो भी सारे ऑफिसर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी वाले हैं और MLA साहब, मैं हम सब बैठ कर एक बार जायज़ा लेंगे और काम में और तेज़ी लाने के लिए और बेहतरी लाने के लिए जो भी कोशिश करेंगे, थोड़े बहुत फंड्स रिलीज करने का वो बात भी है इंशाल्लाह, वो भी जल्द से जल्द हम लोग रिलीज करेंगे फंड्स। और काम जो 18 महीने का वादा था उसके अंदर सारा काम पूरा करने का इंशाल्लाह वो काम पूरा करवाएंगे। अगर कहीं जो शेड्यूल है शेड्यूल से अगर पीछे हैं तो उसमें भी जोर लाने का बेहतरी और स्पीड लाने की कोशिश करें। रमज़ान से पहले क्या कर सकते हैं, रमज़ान के बाद रमज़ान क्या कर सकते हैं, ये दो स्टेजेस पर देखना ज़रूरी है। उसमें फिर बरसात का तकाजा भी है तो इन बातों को सब नज़र में रखते हुए काम करना है। सबसे पहले अहमियत इसको दी जाए, छत का काम जो है उसको करने के लिए। और वैसे 16 अप्रैल को रमज़ान के लिए सिर्फ मक्का मस्जिद पर ही नहीं, रियासत भर में किस तरह के इंतज़ाम किए जाना चाहिए मस्जिद के पास और इबादतगाह के पास, उसका भी एक मीटिंग है। उस दौरान सिर्फ मक्का मस्जिद का तो काम नज़र में रखेंगे, इसके साथ साथ और दूसरे मस्जिद के पास क्या करना है उसका भी जायजा। एक जो प्लान बना हुआ है तो प्लान के बराबर उसको भी रेस्टोर करना ज़रूरी है, इंशाल्लाह वो काम भी पूरा हो जाएगा। पंजाकोटा क्राइम टीम ने मोबाइल फ़ोन्स की रहजनी में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 3 कीमती मोबाइल फ़ोन्स बरामद कर लिए। तफसीलात के मुताबिक 19 साल मोहम्मद सलमान, 19 साल सैयद इसाक के अलावा झिर्रा आसिफ नगर के साकिब 19 साल मोहम्मद नदीम को हिरासत में लिया गया है। सलमान मंगलहाट के साकिन हैं जबकि सैयद इसाक ताड़बन के साकिन बताए गए हैं। तीनों मुजरिमीन बाज़ाब्ता टोली बनाकर सेल फोन की रहसनी कर रहे थे। जुबलीहिल्स पुलिस ने एक रिटायर्ड IAS अहदेदार के अकदाम कत्ल में मुलविस 5 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया। DSP बैजून AAS निवास IPS के मुताबिक रिटायर्ड IAS ऑफिसर पी दयाचारी की जायदाद हड़प करने की गरज से कत्ल का मंसूबा बनाया गया था और उन पर जानलेवा हमला भी किया गया। गिरफ्तार शुदगान में रिटायर्ड IAS ऑफिसर की 54 साल भतीजी पी मंजुला के अलावा 59 साल पी करुणाकर, 34 साल बी दुर्गा नरेश, 38 साल आई अशोक और 33 साल M सागर शामिल हैं। दीगर 3 मुलजमीन मफरूर हैं। DGP बैजून ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। भाई का बेटी मंजुला और मंजुला का भाई करुणाकर और एक वेंकटेश्वर राव उनका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर मिलकर ये पूरा प्लान करके ये दयाचारी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, इनके बीच में 5 करोड़ के ऊपर के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो ये प्लानिंग करके यहाँ पे हैदराबाद आके विजयवाड़ा से रेकी करके कोंडापुर मिनरवा होटल में एक दिन रहकर उसके बाद में 4 तारीख को एक शॉप से क्रिकेट का स्टिक, क्रिकेट बोलते ना स्टम्प, वो स्टम्प खरीद के उस स्टम्प 2 लोगों को इस काम के लिए सौंपा गया। वो लोग सवेरे दयाचारी साहब वॉकिंग के लिए बाहर निकले 7 बजे, वो पीछे से दो लोग स्कूटर पे आके सर पे इनको वो जो विकेट है उससे घायल किया गया, उसमें इमीडिएटली दयाचारी साहब वहाँ पे कोलैप्स होके गिर गए नीचे। और उसके बाद में पूरा इन्वेस्टिगेशन करें तो इसमें मालूम हुआ कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है उनके बीच में, फैमिली मेम्बर्स के बीच में। उस दौरान ये मंजुला जो औरत है वो वेंकटेश्वर राव करके उनका एक बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ प्लान करके 5 लोगों को हायर करके ये जो ऑफेंस है वो प्लान करके एग्जीक्यूट किया गया।
बैरूनी शराब की बोतलों में देसी साख्ता शराब रिफिल करते हुए फरोख्त करने वाली एक टोली का साउथ जोन टास्क फोर्स की जानिब से पर्दाफाश किया गया। सिटी पुलिस साउथ जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर मधु मोहन रेड्डी और उनकी टीम ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए सिलसिले में तीन अफराद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान में 52 साला विजय कुमार भाटिया साकिन छतरना का, 60 साला हरीश केशवानी साकिन किंग कोठी और 54 साला मुकेश अग्रवाल साकिन वेस्ट मारिट पल्ली शामिल हैं। उनके कब्जे से 22 बैरूनी साख्ता शराब की बोतलें जब्त की गई। मजीद कार्रवाई के लिए उन्हें जब्तशुदा अशिया के अमराज चारनार एक्साइज पुलिस के हवाले किया गया। एडिशनल DCP टास्क फोर्स S चैतन्य कुमार ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और चारमीनार एक्साइज ऑफिशियल्स इन दोनों जॉइंट रेड करके तीन आदमी को पकड़े जिन्हों 22 फॉरेन लिकर बॉटल्स बेचने के लिए कोशिश में थे। ये फॉरेन लिकर बॉटल जो है कस्टम ड्यूटी पेड जो रहेगा एंड ये जो बॉटल्स डेजिग्नेटेड एरिया में बेचना पड़ेगा, लेकिन ये लोग ओल्ड बॉटल्स यानी इस्तेमाल करे सो ऑलरेडी लिकर कंज्यूम होने के बाद मिले सो बॉटल्स को उन्होंने प्रोक्योर करके जिसमें इंडियन लिकर यानी IMFL और लोकल एडल्ट्रेटेड लिकर उसमें मिला के और ऊपर से सील करके एज इफ ये जो नया बॉटल है वैसा बेचने के लिए कोशिश में थे। हमें टिप ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद स्मॉल छोटा इंक्वायरी करके क्रॉस चेक करने के बाद हमें रेड करा एक जगह से, वहाँ पे 22 बॉटल्स मिले हमें, वो डिफरेंट ब्रांड्स के थे। यूजुअली अब्रॉड से आए से लोग एक पासपोर्ट के ऊपर 2 बॉटल्स इन लोगों को अलाउड है, ये जो कम्प्लीटली ड्यूटी पेड है एज पर द प्रोसेस, लेकिन विदाउट एनी लाइसेंस विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑथराइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ये लोग हैदराबाद में बेचने के लिए कोशिश में है जब पकड़े। ये तीनों लोग ये प्रोफेशनल है या ये पार्ट टाइम अभी न्यूली ये लोग को पकड़े? नहीं, ये जो ये बेसिक लोग है यानी ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, सिर्फ बॉटल्स प्रोक्योर करके ऐसा कर रहे हैं। और इसमें एक आदमी को पतंजलि का स्टोर्स भी है यानी ये रेगुलर बिजनेस भी करेगा और साइड से ये लिकर जो सप्लाई करने का बिजनेस में भी लगे हुए हैं। इसका यूजुअली फॉरेन बॉटल्स थोड़ा महंगा रहेगा, वो 10,000 उससे बढ़ के रहेगा, लेकिन यहाँ पे सो उन्हों ऐसा बोल रहे कि हमें कुछ वो लोगों को कुछ कस्टम ऑफिसर्स से पहचाना थे वो लोगों के साथ प्रोक्योर करके ताकि कस्टमर को यकीन दिलाने के लिए ये लोग कॉन्टैक्ट्स के बारे में ले रहे। पूरा चेकिंग करने के बाद हमें महसूस हुआ वी गॉट टू नो दैट सिर्फ ये तीन लोग मिलके ये काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ ओरिजिनल लिकर है कि नहीं वो सैंपल्स लैब को भिजाने के बाद टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद हम लोग फाइनलाइज करेंगे केस। आइए देखते हैं के बाद की खबरें। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इतला पर कार्रवाई करते हुए तीन टुकड़ी टोली को गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर मधुमोहन रेड्डी और उनकी टीम ने यह कार्रवाई की। आरिशल डीसीपी टास्क फोर्स ने मीडिया को बताया कि बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के किशनबाग इलाके से 3 सेंडर एजेंट 34 साला सैद सलीम साकिन महमूद नगर किशनबाग, 40 साला सैयद अथर साकिन एमएम पहाड़ी और 32 साला अब्दुल इमरान साकिन एमएम पहाड़ी को गिरफ्तार किया गया जो सट्टे के एजेंट बताए गए हैं, जबकि टोली का एक और रुकन अब्दुल फेरूस खान मफरूर है। गिरफ्तार शुदगान के पास से 31,160 रुपये नकद रकम के अलावा सट्टे की चिट, सट्टा बुक्स और 4 मोबाइल फोन्स भी जब्त किए गए। मजीद कार्रवाई के लिए उन्हें जब्तशुदा अशिया के हमरा बहादुरपुरा पुलिस के हवाले किया गया। ये ओल्ड सिटी और नियर बाई एरियाज में फ़ोन पे लोगों को कांटेक्ट में रह के और व्हाट्सएप के जरिए ये लोग में कांटेक्ट में रह के ये लोग के नाम से वो नंबर्स ऑर्गेनाइजिंग कर रहा और वीकली हर एक वीकेंड में उन्होंने अमाउंट कलेक्शन कर रहा था। ये जो इनके पास से 30,000 रुपये सीज करें और सट्टा चार्ट्स और ये सट्टा डिटेल्स लिखने का एक बुक सीज करें। एज पर द गेमिंग एक्ट ये सट्टा बैन है, लेकिन डेली वेज अर्नर्स यानी ऑटो रिक्शा वाले नहीं तो फ्रूट्स बेचने वाले या दिन भर के कमाई इसमें लगाते हैं। ये एक गेम ऑफ चांस है जिसमें स्किल तो नहीं रहेगा, सिर्फ वो लोगों के लक के ऊपर ये आने का चांस है। तो ये दिन भर का मेहनत का कमाई ये लोग लूर करने के लिए
छोटे छोटे काम करने डेली वेज अर्नर्स से को टारगेट करके वो लोगों के पास से मनी कलेक्शन कर रहे थे। हमें इन्फॉर्मेशन मिले जब इन लोगों के घर के पास रेड करके उनके पास है सो पूरा डॉक्यूमेंट्स यानी चार्ट्स और बुक्स सीज करें और बहादुरपुरा पीरियस को हैंड ओवर करें। पूरे इसमें चार लोग हैं, एक मेन फेलो मेन पर्सन इज अब्सकॉन्डिंग। अभी सर ये सट्टा एक्टिविटीज पहले बहुत अच्छा कंट्रोल किया था पुलिस ने, फिर अब रिसेंटली जो है ना, अब जैसे कि अब दबिलपुरा रेलवे स्टेशन है, याकूतपुरा रेलवे स्टेशन है और मीराल मंडी है, ऐसे प्लेसेस पे सट्टा एजेंट्स आर मोर एक्टिव, तो इन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पुलिस की तरफ से? यूजुअली सट्टा केसेस इज ए बेसिक क्राइम, वंस इट इज एक बार अदालत में पेश करने के बाद उन लोगों को फाइन भी डालेगा और नियरली एक हफ्ते तक सजा भी मिलेगा, लेकिन उन्होंने बाहर आते ही फिर ये लिखना शुरू करना। ये सट्टा जो है बहुत आसान है क्योंकि सिर्फ फ़ोन पे उन लोगों का नंबर लेके फिर बाद में भी ऑन ए प्रॉमिस वो बाद में पैसे कलेक्ट करते एक वादा देने के बाद। ये जो एक सिर्फ छोटा कागज़ लेके एक पेन के साथ लिख सकते हैं, इसको कुछ मटेरियल और कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ़ोन है तो बस है। सिर्फ जान पहचान वालों को इसमें इन्वॉल्व करके ये पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा, तो जितना भी रेट करो एक दो जगह पे रिसर्फेस हो रहा है, वो अभी हमें इन्फॉर्मेशन है। हम लोग जो है पूरा पीएस वाइज नहीं तो एरिया वाइज का इन्फॉर्मेशन अभी एक قائد مخانہ کلین مجلس عدل مسلمین اکبر الدین اویسی کی جانب سے مختلف علاقوں میں اویسی اسکول آف ایکسلنس کے قیام کے سلسلے میں عمارتوں کی تعمیر اور سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کے تحت ایک روز قبل سرالہ بارکس میں بھی ایک عمارت کا سنگ بنیاد صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں امر ملایا گیا تھا۔ اس کی مسرت میں اور مجلسی اتحاد مسلمین کے قائدین سے اظہار تشکر کی غرض سے بارکس کے ایک وفد نے مجلس ہیڈ کوارٹر دارالسلام پہنچ کر سر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مقننہ مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور ہدیہ تشکر پیش کیا۔ विनोद भार्गवा ने जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स की हैसियत से जायजा हासिल कर लिया। खैरताबाद में वाकई उन्होंने अपने दफ्तर में जायजा हासिल किया, जिसके बाद उन्होंने एक वफद की शक्ल में मजलिस हेडक्वार्टर दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की। इस मौके पर जीएम विनोद भार्गवा के हमरा सीजीएम सुरेश बाबू और डीजीएम शेखपेट ख्वाजा जौहर अली भी मौजूद थे। उन्होंने वाटर वर्क्स महकमे کے تحت کیے جا رہے کئی ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں صدر مجلس سے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ میرپیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں خاتون کے گلے سے تلائی منگل سوتر اڑوانے کی واردات پیش آئی۔ تفصیلات کے مطابق جلل گڑا سے بندہ ملمہ فنکشن ہال جانے والی سڑک پر بائک سوار دو نوجوانوں نے 28 سالہ سری رنگا نامی خاتون کے گلے سے 3 تولے وزنی طلائی منگل سوتر کھینچ کر راہ فرار اختیار کی۔ خاتون نے پولیس میر پیٹ میں اس سلسلے میں ایک شکایت درج کروائی۔ پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج کے ذریعے تحقیقات کا آغاز کیا۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے سے وابستہ لنگم پلی ریلوے اسٹیشن کے ٹریک پر ایک نوجوان نے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق 25 سے 30 سالہ نامعلوم شخص اپنی بائک پر ریلوے اسٹیشن آیا اور اس کے بعد وہ ٹرین آتے وقت پٹریوں پر لیٹ گیا اور اس طرح سے اس نے خودکشی کر لی۔ ریلوے پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج رجسٹر کیا اور ضابطے کی کارروائی انجام دی گئی۔ اسپیشل آپریشن ٹیم ملکہ گیری زون نے فرضی سرٹیفکیٹس کی تیاری کے ایک ریکٹ کو بے نقاب کیا اور اس سلسلے میں 6 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ان افراد کے قبضے سے تقریباً 160 فرضی سرٹیفکیٹس برآمد کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق اس ریکٹ میں یووا ایجوکیشن سوسائٹی کے ذمہ داران ملوث ہیں اور 13 افراد جنہوں نے 32 خود مختار کالجز کے سرٹیفکیٹس تیار تھے وہ نقلی تھے۔ اس بین ریاستی ریاکٹ میں نئی دہلی، چندی گڑھ، آندھر پردیش، کرناٹک اور دیگر ریاستوں کے افراد شامل ہیں۔ ریاکٹ میں ملوث 11 ملزمین مفرور ہیں۔
कमिश्नर पद रचा कुंडा महेश भागवत ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। चैतन्यपुरी पुलिस ने एक बदनाम जमाना सारिख को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 725 ग्राम तलाई जेवर मालियती 22 लाख रुपए जब्त कर लिए। 23 साला बी नागा राजू साकिन इंद्रानगर जुबली हिल्स को गिरफ्तार किया गया, जो साल 2016 तथा 2018 के दौरान 17 केसेस में मुलविस पाया गया है। इन केसेस में 15 केसेस सिर्फ चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन हदूद में अंजाम दिए गए हैं। रचाकुंडा कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने आवाम को मशवरा दिया कि वो सोना चांदी वगैरह अपने घर में महफूज मकामात पर रखें। हमारे डिटेक्टिव इंस्पेक्टर चैतन्यपुरी महेश और उनके टीम ने अरेस्ट किया, उसके पास से तकरीबन 72.5 तोला गोल्ड, जिसकी वैल्यू बाजार में 22 लाख रुपए वो बरामद हुई है। ये पटा स्कूल के टीवी शो उसमें काम करता और इसको काफ़ी सारे शौक है, जिसमें गैम्बलिंग हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और उसके लिए पैसा चाहिए तो वो चोरी करते रहते। सौनगर पुलिस ने खुफा चिकनी के जरिए वारदातें अंजाम देने वाले चार सारेखीन को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 45,360 रुपये नकद रकम के अलावा 200 ग्राम सोना जुमला मालियती 6,50,000 रुपये बरामद कर लिए। गिरफ्तार शुदगान में 24 साला डी रविंद्र, 24 साला आर संजीव, 24 साला के धनराज और 24 साला एल सागर शामिल हैं। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। कल दोपहर में सरूर नगर के ग्रीन पार्क कॉलोनी में कोनाथम प्रभाकर रेड्डी करके आरटीसी में एम्प्लॉय है, उनके घर में दो रॉबर्स आके उन्होंने वहाँ से 5,00,000 रुपए वर्थ सोना और कैश, उस घर में जो लेडी है सुनीता नाम की, उनको चाकू से डरा के मार के उनके पास से छीन लेके फिर वहाँ से वो लोग भाग रहे थे। उतने में उनका लड़का सात्विक रेड्डी, उसने वो देखा, उसने खुद चेस किया और उसको वहाँ का एक सिविलियन जिसका नाम है कुंडल यादव करके। आखिर में हम खबरें एक बार, ओएसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शाखों के ख्याम का सिलसिला जारी। सदर मजलिस ने मोगलपुरे में हमा मंजिला इमारत का रखा संग बुनियाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मिल्लत के यतीम व नादार और मुस्तहक नौने हालों को जेवर तालीम से आरास्ता करने की पाबंद अहद। स्कूली इमारत की संग बुनियाद तकरीब से खायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। निज़ाम रुबात में आज़मीन हज के ख़याम के लिए की गई खुरानदाजी, नायब वज़ीर-ए-आला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर सियासी कायदीन ने की शिरकत। SOT मलकाजगिरी ने फर्जी सर्टिफिकेट्स की तैयारी का रैकेट किया बेनकाब, 6 अफराद गिरफ्तार, 160 फर्जी असनाद की गई जब्त। रचाकुंडा कमिश्नर पुलिस की मीडिया कॉन्फ्रेंस। चेतनियापुरी पुलिस ने बदनाम जमाना सारिख को किया गिरफ्तार, 22 लाख रुपए मालियती जेवरात किए गए जब्त। ऐसे के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अक्वामी खबरों के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम।